कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए रोहतक जिला प्रशासन ने कार्य योजना तैयार की है। रविवार को विकास भवन में हुई बैठक में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई और उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में विशेष तौर पर रोहतक के उपायुक्त आरएस वर्मा व पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा मौजूद रहे। गौरतलब है कि रोहतक में करीब 85,000 श्रमिक हैं, जो विभिन्न उद्योगों व भवन निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं। वहीं उपायुक्त का कहना है कि इन श्रमिकों के लिए तमाम प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। कुछ दिनों से जो लॉकडाउन के दौरान आवर ऑफिसर्स पर वर्किंग फ्रॉम होम और अब ये जो लगभग 85 से 90 हज़ार लेबर जो हमारे जिला रोहतक में हैं, उनमें से कुछ लोग इच्छापूर्वक अपने नेटिव प्लेस पे जाना चाहते हैं, कुछ एक लेबर हमारे सराउंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे एंटर कर रही है दिल्ली के लिए, यूपी के लिए। तो इन लोगों के व्यवस्था के लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनको चिकित्सा सुविधा, इसके लिए अरेंज करने के लिए इनको आगाह किया गया है और इनमें कुछ लोगों की ड्यूटियाँ लगाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस दौरान श्रमिकों को मकान से निकालने वाले मालिक के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट व भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत कार्यवाही होगी। है कि कई कॉलोनीज में जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके घरों में वो किराए पर रहते हैं या जिनके मकान में या कमरे में वो रह रहे हैं, उन लोगों ने भी उनको कहा है कि आप इसे खाली करें क्योंकि हम आपका किराया माफ नहीं करेंगे। तो जो सेकंड एस्पेक्ट है, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि उनकी कॉलोनीज में जाके आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे अनाउंस करें कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, अपने लेबरर को कहेंगे कि मेरा मकान खाली कर या मेरा क्वार्टर खाली कर या कमरा खाली कर, तो आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसी प्रोविजंस हैं जिनके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। वो हमें सेक्शन 188 आईपीसी है, सेक्शन 269 आईपीसी है, सेक्शन 270 आईपीसी है, वो हमें जाके लोगों को बताना पड़ेगा कि कृपया करके इन गरीब लोगों को अननेसेसरी परेशान करके यहाँ से निकालने की बात ना करें।